सरोकार। सुल्तानपुर में तूल पकड़ने लगा कांग्रेस का मशाल जुलूस, विवाद के बाद पुलिस पर बर्बरता के आरोप। कानपुर में बीसीसीआई के गलत डॉक्यूमेंट दिखाने वाले पर एक्शन, क्रिकेट एसोसिएशन ने कार्रवाई की उठाई मांग। गाजियाबाद में किसान मजदूर संघ संगठन का प्रदर्शन, काफी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, गाइडलाइन हुई जारी, डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। संबल में युवती के साथ छेड़खानी, पिता ने खाया जहर, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां सुल्तानपुर में पिछले दिनों में मशाल जुलूस निकालने के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में हुआ विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेसियों ने नगर के तिकोनिया पार्क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हल्ला बोला है। वही कांग्रेसियों ने कहा कि ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किया गया था, लेकिन सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने कांग्रेसियों के मशाल जुलूस निकालने पर न सिर्फ उन्हें रोक लिया बल्कि कार्यालय में घुसते ही उन पर लाठी चार्ज भी किया, जिसमें कई कांग्रेसी घायल हो गए। द्वारा ज्ञापन के माध्यम से आपसे निम्नलिखित मांग अविलंब कार्रवाई हेतु की जाती है। हमारी पहली मांग है दिनांक 30/3/2023 को कांग्रेस पार्टी के जिला सुल्तानपुर कार्यालय के प्रांगण में घुसकर निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज करने वाले दो तीन सर पे चोट लगी है, तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारीगण, हम सब लोग ये तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग उसका जवाब दे रहे हैं कि आप जो फर्जी मुकदमे लगाए हैं उनको तत्काल उन पर हटाइए और जो अधिकारी उसमें हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाए हैं उनके खिलाफ तुरंत निलंबन की कार्रवाई करें। हमारी सबकी ये डिमांड है। आगे की रणनीति क्या है? हम आगे की रणनीति है, आगे अगर ये नहीं करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद पहुंचे। 2024 के चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 80 में से 80 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। ये एक ऐतिहासिक और निर्णायक चुनाव होंगे, पूरे देश में हमें 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वहीं उनके सामने प्राइवेट स्कूल को लेकर भी शिकायत आई और शिकायत यह है कि स्कूल नए सेशन में किताबें महंगी बेच रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में एक कमेटी बना दी गई है और अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। की जिम्मेदारी है और सरकार की मंशा यही है कि चाहे जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, समस्याओं का समाधान पहली प्राथमिकता है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता है, अपराधियों पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता है, उसे तेजी से किया जाए। सर आपने शिक्षा की बात की, आपने एक उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रणाली 2020 में आनी थी, वो कब तक आएगी? आ जाएगी, जब आ जाएगी तो आपको बता दें। सर विकास की बातें कर रहे हैं लेकिन मुरादनगर विधानसभा जो है, जो विधायक निधि से जो फंड मिलता है उसका 1 रुपया भी वहाँ विकास में खर्च नहीं हुआ, उसका क्या कहना है आपको? उसमें कुछ कहना नहीं, वो विधायक जी का विशेषाधिकार होता है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रस्ताव देंगे उसके हिसाब से। वहीं उसके उलट लोनी विधानसभा में अपने लगभग 70% वो अपना विकास में लगा चुके हैं। ये माननीय विधायकों का विशेषाधिकार है, इस पे कोई जवाब नहीं। सर आज दलित पिछड़ों के लिए एक रैली भी की जा रही है कश्यप समाज की, और लोहार के काम एक तरफ बीजेपी कर रही है दूसरी पार्टियां। कोरोना ने एक
बार फिर से देश में अपनी दस्तक दे दी है और हर दिन कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जबकि बीते 24 घंटे में देश में कुल 4,435 नए केस मिले, वही राजधानी लखनऊ में अब कुल 70 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी लखनऊ ने बयान जारी करते हुए कहा कि सभी को भीड़भाड़ वाली जगहों पर बेवजह जाने से बचना चाहिए और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। से ये अपील करना चाहेंगे कि पिछले लगभग 3 वर्ष से हम लोगों ने जिस प्रकार से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लर्न किया है, उसको सीखा है, उसको अपने जीवन में अपनाते रहें। हमें सावधानियां बरतनी हैं जिससे कि ये हमें प्रभावित ना कर सके। जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे माध्यम हमने अपनाए थे इसको दूर रखने के, उसके लिए हम ट्रेन हो चुके हैं और हमें उनका पालन करते रहना है और सचेत रहना है, से ये अपील करना चाहेंगे। संबल में अपनी बेटी के साथ छेड़खानी से आहत होकर पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई और मौत के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही एडिशनल एसपी श्री शरीश चंद्र ने बताया कि 2 पक्षों में 3 अप्रैल को विवाद हुआ था, जिसकी तहरीर थाने में दी गई थी। जब पिता घर पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई है, तो उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उपचार के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वह मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हरकत में आकर 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। तरफ से आपस में गाली गलौज व मारपीट की बात सामने आई। दोनों पक्ष कश्यप जाति से व सजातीय हैं और एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इन दोनों पक्षों के द्वारा थाना कुड़ फतेहगढ़ पर 4 तारीख की सुबह 11 बजे के करीब आकर तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 51/23 व 52/23 2 FIR इन दोनों लोगों की तहरीर के आधार पर तुरंत थाना कुड़ फतेहगढ़ में पंजीकृत की गई, जो लगभग 3 बजे के करीब जिनकी एंट्री है। तत्पश्चात ये दोनों पक्ष थाने से चले गए। घर जाने के पश्चात इनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम जयपाल है, जो ग्राम डारनी के ही रहने वाले हैं और उनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष है। ठीक है, और जो आए जो सब लोग गए टीका करने, हम तो घर पे भी नहीं थे। कहाँ गए थे? जो कहीं गाँव इतरामपुर की तरफ कोई गाँव। फिर क्या हुआ? जो सब लोग लौट के आए, इकली लड़की से पता ना क्या करा, लड़की कह रही मुझे खींच रहा है अंदर से। कौन मारा? लड़की को गांव गई। हाँ, लड़की को गिरा के नीचे पड़ा। तो जब सब लोगों ने, मोहल्ले को ने देखा, ये 2-4 बच्चे हैं, उन्होंने हटाया और हमने फिर रात गए। हम तो वो हमसे फिर जे काम करके हमसे पहले थाने पहुंच गया। अच्छा, वही। हाँ, फिर तो उसने पता ना क्या लिखवाया, हमें पता। हम गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी रात की। डारनी में एक ही समुदाय के 2 परिवारों के मध्य कासुनी की घटना कारित हुई। इसके पश्चात अगले दिन दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे और थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्पश्चात जब एक पक्ष के श्री जयपाल पुत्र श्री शिव सहाय घर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि दूसरे पक्ष अतर सिंह एवं जगतपाल द्वारा उनके पुत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है एवं उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे आहत होकर उनके द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया। तत्पश्चात उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सहारनपुर में एक बुजुर्ग दंपत्ति को दबंगों द्वारा लगातार जमीन खाली करने की धमकियां मिल रही हैं। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने इसका विरोध अधिकारी के सामने पेश किया तो दबंगों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे डाली और जमीन खाली करने का दबाव भी बनाया। वह बुजुर्ग दंपत्ति ने अधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई इन दबंगों के खिलाफ आज तक नहीं की गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर स्थित डॉक्टर निधि भारती के घर पर कुछ भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति को लगातार अब जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग पीछे आके हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं और यहाँ पर डेली ट्रक आते हैं, बदमाश लोग आते हैं जी, शराबे पीते हैं और शोर इतना मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे कि हमारा जीना जो है यहाँ से रहना आराम हो गया, और मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले जाओ,
नहीं तो तुम्हारी उम्र ही क्या है आज, नहीं तो जल्दी तो आपको जाना ही है, और खाली जगह को यहाँ के उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। वो जगह किसकी है आपकी? वो जगह हमारी सोसाइटी की है जी। अच्छा, कब से आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, कब से उस जगह पर कब्जा है आप लोगों का? हम लोग जब से ये मकान बने तब से रह रहे हैं जी, 50 साल से ऊपर 60 साल हो गए हैं जी यहाँ रहते हैं। अच्छा। हमें हमारे फादर लोगों ने बनवाए हैं, मेरे फादर का 7 वाला मकान है वो मुझे दे गए हैं जी। हमारा जो सोसाइटी में घर है, हमारे पेरेंट्स दे आर पास्ड अवे, और हम दो सिस्टर्स रहती हैं, और हमारे चाचा चाची हैं दूसरे घर में, वो अब हम लोगों को ये धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, जितना मिल रहा है नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इट डज मीन कि ये भी नहीं मिलेगा। अब आप बेटा ये बताएं हम कहाँ जाएं, हम इस एज में अपने आप को यहाँ से कहीं और ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। हम अपने शहर में रहने आए थे बट हमें यहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा, रोज़ हमें धमकियाँ दी जाती हैं, सरकारी तंत्र की तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और हमें उन अथॉरिटीज़ को भी मिसलीड करके हमें किसी ना किसी तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रेशन जैकब ने बटलर पैलेस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारियों को फोन करके निर्देश दिए, उन्होंने बटलर पैलेस में साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लब की डेंटिंग पेंटिंग, जिम, बैडमिंटन कोर्ट आदि चीजों को लगाकर क्लब को सुसज्जित किया जाए, और बच्चों के खेलने के लिए पार्क में झूले भी लगवाए जाना सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कानपुर के कमला क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि यूपीसीए और बीसीसीआई के नामित पदाधिकारियों को लेकर कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर गलत पत्र की फोटो वायरल कर रहे हैं, जिन पर 4 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराकर दोषियों पर अब कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठाई गई है। और अब जब जमीन हमारे नाम हो गई है तब हम उस पर प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्टेडियम बन सके। जमीन के विषय में कितनी मिली है बताएं, वहाँ बनारस स्टेडियम कितनी, कितने 31 एकड़। वो बिल्कुल झूठा है, उसमें दस्तखत मेरे झूठे बनाए हैं, 420 और मिस्चीवियस एलिमेंट्स का काम है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी है फजलगंज थाने में। चार सौ बीस लोगों की इस देश में कोई कमी नहीं है, और जैसे 420ियों को पकड़ने का काम पुलिस का है, हमने पुलिस को इतला कर दी है, और हम ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करते हैं, हम नहीं कह सकते। इसीलिए पुलिस को हमने विवेचना दी है कि भाई ये कौन लोग हैं जो मेरे नाम से अगर किसी ने अपने। कानपुर के बिल्हौर तहसील क्षेत्र के घंसी निवादा निभाता गांव में 4 किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वही खेतों में आग की लपटे उठते देख कर ग्रामीणों ने आग पर काबू करने की कोशिश तो की और आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन तब तक खेतों में खड़ी लगभग 17 से 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वही ग्रामीणों ने बताया कि खेतों से गुजरी हाईटेंशन लाइन की वजह से ये आग लगी है। कानपुर के हनुमान मंदिर से बड़ी ही अनोखी तस्वीर सामने आई है। हम दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला ये है कि यहाँ दारोगा गिरिजेश कुमार गिरी जैसे ही बजरंग बली के मंदिर में दर्शन करने गए, और जैसे ही उन्होंने उनकी पूजा शुरू की वैसे ही हनुमान जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर वहां मौजूद लोगों का हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ताता लग गया, और मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब दारोगा गिरिजेश कुमार गिरी नाटकीय ढंग से लापता हो गए हैं। वही मौके पर पहुंचे एसीपी चकेरी अमरनाथ यादव का कहना है कि प्राथमिक जांच में अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। वीडियो किसके द्वारा वायरल किया गया इसकी भी अब लगातार जांच की जा रही है। जाके दर्शन किए, ऐसा कोई भी साक्ष्य, ऐसी कोई भी चीजें नहीं देखने में पाई गई है, और बजरंगबली तो खुद ही संकट मोचन है, ये क्यों इस तरह की चीजें आएंगी,
वीडियो भी सामने आया है। अब वीडियो किसके द्वारा वायरल किया गया है और वीडियो किसने एडिट किया है, इसकी जांच किया जाएगा और पता किया जाएगा कि इस तरह के वीडियो किसने बनाए हैं। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली इलाके में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि दो पक्षों ने ग्राम समाज की जमीन को अपनी अपनी जमीन बताकर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, पत्थरबाजी और मारपीट में 3 लोग घायल भी हो गए। जिसकी सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी ने मामले को शांत कराया और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई करने की भी बात कही है। गाजियाबाद में चोरों के आतंक की वजह से कंस्ट्रक्शन कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। बता दें कि रैपिड रेल का काम चोरों की वजह से नहीं हो पा रहा है। चोरों ने रैपिड रेल का 1800 मीटर तार ही चोरी कर लिया। इससे पहले मार्च में भी ट्रेन की पटरी की प्लेट चोरी की गई थी, जिसकी FIR भी दर्ज कराई गई। बता दें कुछ दिन पहले ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने रैपिड रेल का जायजा लिया था और ऐसे में दो बार चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गाजियाबाद में किसान मजदूर संघ संगठन के कार्यकर्ता काफी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे। भारी संख्या में कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर ट्रेन के जरिए वहां पहुंचे और किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कई राज्यों से किसान मजदूर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। इस प्रदर्शन में यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हुए। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका लोनी और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया है। बता दें कि लोनी बॉर्डर पर अतिक्रमण के चलते घंटों घंटों जाम लगता रहता था, जिसकी सूचना लगातार थाना लोनी बॉर्डर में आती रहती थी, जिसके चलते लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी ने अतिक्रमण के खिलाफ बॉर्डर पर अतिक्रमण की वजह बनने वाले सभी उपकरणों को हटाया और साथ ही आधे से ज्यादा दुकानदारों के चालान भी काटे हैं। लोनी बॉर्डर से अतिक्रमण हटाने से स्कूली बच्चों और राहगीरों में लगने वाले जाम से भी अब उन्हें निजात मिल जाएगी। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम ने रंगदारी के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं कब्जे से घटना के संबंधित एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ एक सोने का हार भी बरामद किया है। तो वहीं अभियुक्तों पर पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। कुछ लोगों के द्वारा उसकी लड़की को डरा धमका करके उससे लगातार गहनों और आभूषणों की बात की जा रही है। इसी क्रम में कुछ लोग उसकी लड़की को डरा करके और सोने के आभूषण उससे ले करके और चले गए हैं और जाते हुए जान से मारने की धमकी दे करके गए हैं। उसकी सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें टीमें इसके अन्वेषण के लिए लग गई, तो टीम को इसमें सफलता मिली और राहुल, विकास और अन्य जो है 4 अभियुक्त यानी टोटल। गाजियाबाद में सुल्लमल रामलीला ग्राउंड में महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ का आयोजन किया गया और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे। बता दें कि भारी संख्या में कश्यप समाज का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही इस महाकुंभ में दिव्यांगजन लोगों को ट्राईसाइकिल भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा वितरित की गई। चिन्हित करके उसको नाप करा करके उसी दृष्टि से उपयोग हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। मुझे कुछ प्राइवेट स्कूलों में अधिक कीमत पर किताबें बेचने की भी शिकायत आई है, उसकी भी एक कमेटी बना करके जांच करके अगर कोई इस प्रकार से अभिभावकों का शोषण कर रहा है तो उसका पता लगा करके उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बुलडोजर पर कार्रवाई की गई है। वहीं नगर निगम ने रोड किनारे दुकान चलाने और अतिक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है और शहर में हुई बुलडोजर की कार्रवाई से शहर के भू माफियाओं में अब खौफ का माहौल देखने को मिला है।
अवरोध आसपास के लोग पैदा कर देते हैं, उन सबको हटाया जाना है, अस्थायी अतिक्रमण और स्थायी अतिक्रमण दोनों को। साथ ही साथ अगर कहीं कोई टैक्सी स्टैंड अवैध रूप से संचालित है, कहीं पर बिना अनुमति के गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, उनको हटाया जाना है। और जो रेहड़ी सब्जी वाले ठेले वाले हैं उनको व्यवस्थित करके इनका जोन निर्धारित करना है कि वो अपने जोन में खड़े होकर के बिक्री करें और स्थायी दुकानें ठेले वाले ना लगाएँ जैसा वो लगा लेते हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए और उनको सुचारू करने के लिए नागरिकों को अच्छी सुविधाएँ डेवलप करने के लिए और इसे फरीदाबाद के मुजेसर थाना एरिया के आजाद नगर में घर से शौच के लिए निकली बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में आज सैकड़ों लोगों ने सेक्टर 12 डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वही अभी तक पुलिस की तरफ से किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आज पीड़ित परिवार ने भारी संख्या में लघु सचिवालय पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और केस को सीबीआई को सौंपने की भी अब मांग उठाई है। बुलंदशहर में अगौता पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। वही पुलिस मुठभेड़ में बदमाश शकील के पैर में गोली भी लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वही पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश लूट के मामले में फरार चल रहा था। खबर बदायूं से है, जहां भीषण आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए हैं, तो वही भीषण आग में 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और 7 मवेशियों की जलकर इस दौरान मौत भी हो गई है। पूरा मामला उस है थाना क्षेत्र के अहमदनगर बछौरा का है। वहीं आग इतनी भयानक थी कि आग ने धीरे धीरे दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घरों में रखा लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया और परिवार अब घर से बेघर हो गया है। ये आपके गांव में जो आग लगी है, ये किस तरीके से लगी, क्या हुआ, क्या हादसा हुआ वहाँ पे? गांव में आग लगी, बताया जाता है कि बिजली के तार से आग लगी हुई है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जानवर काफ़ी मरे हैं, काफ़ी हद मरे हैं, सरसों जली है, गेहूँ जले हैं लोगों के, और चपेटें आई हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने को बैठने को कहीं कोई व्यवस्था नहीं। ये औरैया में पुलिस पर युवक पर थाने में टॉर्चर करने का और मारपीट करने का आरोप लगा है, तो वह युवक की हालत गंभीर है। बता दें कि रिटायर्ड फौजी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि उनके बेटे को पुलिस थाने में चोरी के मामले में घर से पुलिस उन्हें जबरन उठा ले गई और थाने में ले जाकर पुलिस ने युवक को टॉर्चर करते हुए उसको पीटा भी है, जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई है और उसे जिला अस्पताल में अब भर्ती भी कराया गया है। वही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर लग रहे आरोप को लेकर एसपी ने गलत बताया है और कहा कि पूरे मामले को ही बदल दिया गया और युवक को नशे का आदि बता दिया। दूसरी तरफ युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। खबर चल रही है पुलिस की पिटाई की, ये पूर्णतः गलत है, इसका खंडन किया जाता है। थाना दिव्यापुर में प्रांजलि वाइफ ऑफ रमाकांत ने कल 4 तारीख को एक लिखित तहरीरी सूचना दी थी। अपने घर के बगल में अतुल उर्फ बच्चा सन ऑफ गंगा सिंह इनके विरुद्ध कि ये घर में कूदे और इन्होंने घर से कुछ सामान चोरी किया है, पैसे जेवरात चोरी किए हैं। इस पे नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया। आज पूछताछ के लिए इनको लाया जा रहा था, तब अभियुक्त अतुल उर्फ बच्चा के मुंह से किसी प्रकार से झाग टाइप आने लगे, तो इन्हें तुरंत सीएचसी दिव्यापुर ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने इनकी कंडीशन स्टेबल बताई और ऐसा बताया कि इनको ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, किसी प्रकार का ये मादक पदार्थ का सेवन करते रहे हैं, वो इनको आज नहीं मिला, उसके कारण इस प्रकार से इनकी कंडीशन है। तो खबर चल रही है पुलिस की पिटाई की, ये पूर्णतः गलत है। राजधानी लखनऊ में ह्यूमन असिस्टेंट फाउंडेशन की ओर से किडनी फेलियर और किडनी की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रथ यात्रा के जरिए एक अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 21 मार्च को आयुष मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने आवास से की थी। वहीं इस जागरूकता अभियान के कार्यक्रम का समापन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया है। इस दौरान शिविर में किडनी और अन्य रोगों में निःशुल्क परामर्श, फ्री ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर चेकअप के साथ ही फ्री किडनी फेलियर स्क्रीनिंग टेस्ट, आहार संबंधी तमाम सलाह भी दी जाएगी। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर लुबना कमाल हूँ। ह्यूमन असिस्टेंस फाउंडेशन हमारी एनजीओ है, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ
और ये रथ यात्रा का प्रोग्राम हम लोगों ने रीनल जो बीमारियां होती हैं, गुर्दे की जो बीमारियां होती हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए किया है। ये 21 तारीख से ये रथ यात्रा चल रही है जो कि लखनऊ के कोने कोने में गई है और इसने बहुत सारे लोगों की मुफ्त में जांच की है, उनको काउंसलिंग की है, योगा कैंप्स किए जिससे कि पेशेंट्स को बताया जा सके कि वो गुर्दे की बीमारी से कैसे बच सकते हैं या जिनके की प्रॉब्लम रही है तो उनको वो क्या कर सकते हैं, उसको आप कैसे सुधार सकते हैं उसके लिए। और इस रथ यात्रा का जो शुभारंभ है, इनॉग्रेशन है, वो हमारे आयुष मंत्री माननीय डॉक्टर दयाशंकर दयालु जी ने किया था और आज इसका समापन था, आज लास्ट डे था, तो ये उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने इसका आज समापन किया है। मैम, देखा जा सकता है कि पेन किलर खाने से भी किडनी की बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? तीन चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखने से गुर्दे की बीमारी हम 60-70% लोगों में इसको कम कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ब्लड प्रेशर है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ब्लड शुगर है, इन दोनों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो पेन किलर है और इंडिया में समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों की किडनी इसी वजह से डैमेज होती है क्योंकि वो गलत एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये केवल तीन चीज़ें अगर मैनेज हो जाएं, लोग इस पर कंट्रोल कर लें तो 60-70% लोगों में गुर्दे की बीमारी बच सकते हैं। खबर फिरोजाबाद से है जहां थाना दक्षिण पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा 10,000 के इनामी अभियुक्त टीटू उर्फ प्रदीप को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि शातिर अभियुक्त टीटू उर्फ प्रदीप विभिन्न जनपदों के कई अभियोग में पंजीकृत है। देखिए, एसओजी और दक्षिण पुलिस ने एक इनामिया की गिरफ्तारी किया है और इसका नाम है टीटू उर्फ प्रदीप। इस पर एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 10,000 का इनाम थाना मंडोला आगरा से पहले से था। यह एक सनसनीखेज और गंभीर घटना की एक प्लानिंग कर रहा था और इसे पुलिस मुठभेड़ में दक्षिण पुलिस एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की एक पल्सर मोटरसाइकिल, नाजायज असलहे भी बरामद किए गए हैं। शाहजहांपुर में शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बेरे पुलिस चौकी से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बता दें कि शासन के निर्देश पर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर क्षेत्र के चौक कोतवाली अंतर्गत पुलिस चौकी से पाखंड पुलिस चौकी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसके तहत हर दिन 2 से 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है ताकि शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके और यातायात सुगम हो सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।